हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। और आपको पेमेंट पैसा कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपके 4000 घंटे वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स आपके कंप्लीट हो जाते हो कितनी मेहनत के बाद, किसी किसी के एक महीने में भी हो जाते हैं अगर कोई उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, ट्रेंडिंग में चली जाती है, या किसी किसी को 5-5, 6-6 महीने वर्क करना पड़ता है या किसी को साल भी वर्क करना पड़ जाता है, लेकिन काफी मेहनत के बाद, काफी मुशक्कत के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचते हो कि फाइनली आपके 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे आपके वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आपको बहुत अच्छा लगता है, अब आपको फील होता है कि हाँ भाई अब हम कमाना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपके 4000 घंटे वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स, जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो YouTube की साइड से आपको मेल आता है कि आपने ये आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हो। और अगर आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम है, आपने किसी का कॉपीराइट इश्यू है या आपने किसी दूसरे का कंटेंट रीयूज कंटेंट आपने यूज किया है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम दिखा देगा कि भाई आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल नहीं हो सकता बिकॉज आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया हुआ है। और अगर आपने अपना खुद का जेन्युइन कंटेंट है तो भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपको कांग्रेचुलेशंस की एक मेल आ जाएगी यूट्यूब की साइड से। और उसमें क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर ये होता है कि अब आपको $100 कंप्लीट करने होते हैं। $100 कंप्लीट करने के बाद जब आप पहला एक अमाउंट, मतलब ये एक यूट्यूब ने फिक्स किया हुआ है, तब तक कि आपके $100 कंप्लीट नहीं होंगे, वो चाहे एक दिन में हो जाए या 10 दिन में हो जाए या एक महीने में हो जाए, वो आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर बात है। क्योंकि क्या पता आपकी वीडियो, क्योंकि जब आपके 1000 कंप्लीट हो जाते हैं, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, आपको चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अब जब आपके डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो आपके अंदर, मतलब मैं अब आपको वो पॉइंट्स बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पे इनको ध्यान देना चाहिए। तो नंबर वन क्या है, सबसे पहले आपको है हार्डवर्क। अब जितने भी आपने भाई मेहनत करी है बिफोर कंप्लीटिंग योर 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स बिफोर कंप्लीटिंग फॉर दिस क्राइटेरिया, आप मतलब बहुत मेहनत करते हो और बहुत मतलब कंटेंट पे रिसर्च करते हो, लेकिन जो आपकी असली मेहनत है वो मोनेटाइजेशन के बाद शुरू होती है। तो जब आप मोनेटाइजेशन के बाद अपनी मेहनत, आप हार्डवर्क करना शुरू कर दोगे, आप कंसिस्टेंसी से आप वर्क करना शुरू कर दोगे, तो आपके पास जो ऑडियंस है वो आपकी जेन्युइन ऑडियंस, जो आपकी वीडियोस को लाइक करती है, आपकी वीडियोस को पसंद करती है, वो आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप रेगुलर कंटेंट देते हो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस हमसे जुड़ने लगती है और वो आपके एक नेक्स्ट कंटेंट का, आपके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करती है कि किस तरह से हम इंतजार करती है कि भाई अब नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली। तो मतलब एक बहुत अच्छा आपकी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाती है जब आप एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने लगते हो, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि मतलब एक तो हार्डवर्क करना है, आपको कंसिस्टेंसी से आपको वर्क करना है मोनेटाइजेशन के बाद, एंड आपको अच्छा कंटेंट भी देना है भाई। क्योंकि आपने जैसे कैसे भी करके आपने ये सब क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो आपको एक मतलब एक आपके मन में खुद भी ये चीज आने लगती है, नहीं भाई अब बस जहां तक मैं मोनेटाइजेशन तक ले आया था, जैसे भी कैसे ले आया था, लेकिन अब मुझे आगे बहुत मेहनत करनी है। मतलब जितनी आप पहले कर रहे थे बिफोर मोनेटाइजेशन, उससे डबल मेहनत करनी है, ठीक है। तो मतलब आप ये मत सोचना कि भाई अब चैनल मोनेटाइज हो गया तो अब मतलब बस ऐसे ही ढीला पड़ जाऊंगा, नहीं, असली मेहनत तो आपको चैनल मोनेटाइजेशन के बाद शुरू होती है, ठीक है। तो अगर आपका जब आप YouTube को आप मेल करोगे हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तो वो आपको एक पिन भेजेंगे, एड्रेस पिन वेरिफिकेशन के पास, आपके पास कुछ इस तरह का एक लिफाफा आएगा जिसमें आपका पिन होगा। जैसे ही आप पिन मोनेटाइजेशन के अंदर जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए उसके अंदर डालोगे, तो आपका अमाउंट, तो आपके डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब आप ये डॉलर किसी किसी के एक महीने में भी पूरे हो जाते हैं और किसी किसी के एक दिन में भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वीडियो डालता रहता है तो क्या पता भाई कौन सी वीडियो वायरल हो जाए या कौन सी वीडियो हमारी अच्छे व्यूज पाले। यही मतलब एक तरीका है आपको कि आपको मोनेटाइजेशन के बाद क्या करना चाहिए और किस तरह का कंटेंट आपको लेके आना चाहिए, है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा, ये मेरे थॉट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा है तो प्लीज को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।